भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 6 दिसंबर से शुरू होगी। ये दोनों ही टीमें जब भी क्रिकेट के मैदान पर भिड़ती हैं तो बात सिर्फ गेंद और बल्ले की नहीं होती, मामूली तूतू मेमे से लेकर अंपायर के फैसलों पर विवाद अक्सर ही सुर्खियों का हिस्सा बन जाती है। तो दोस्तों आइए एक नजर डालते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए 10 विवादों पर। 1981 के मेलबर्न टेस्ट में भारत की जीत एक अजीब गरीब कारण से सुर्खियों में आ गई थी। सुनील गावस्कर अंपायर के फैसले से इतने नाराज हो गए थे कि अपने साथी बल्लेबाज चेतन चौहान को लेकर पवेलियन लौट आए। दरअसल अंपायर रेक्स व्हाइटहेड ने डेनिस लिली की गेंद पर सुनील गावस्कर को LBW आउट करार दिया। लिटिल मास्टर फैसले से खुश नहीं थे, नाराज होकर दूसरे छोर पर मौजूद चौहान को पवेलियन वापस लौट चलने को कहा। चौहान ने भी अपने कप्तान की बात मानी और स्थिति बिगड़ती देख भारतीय टीम मैनेजमेंट तुरंत एक्शन में आई। चेतन चौहान को दोबारा मैदान पर भेजा गया और इस वाक्य के बारे में गावस्कर ने बाद में बताया कि उनकी नाराजगी फैसले को लेकर नहीं बल्कि लिली द्वारा की गई निजी टिप्पणियों से थी। 2001 का मुंबई टेस्ट बिल्कुल ही एक तरफा रहा, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को धो डाला, लेकिन एक वाक्य ने खेल का मजा किरकिरा कर दिया। राहुल द्रविड़ ने पुल शॉट खेला, मिस टाइम होने की वजह से गेंद हवा में चली गई, जिसे माइकल स्लेटर ने डाइव लगाकर लपक लिया। द्रविड़ कैच से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए भाई क्रीज पर ही रुके रहे। पूर्व अंपायर एस वेंकट राघवन ने भी उन्हें नॉट आउट करार दिया। टीवी रिप्ले से भी यही बात पता चल रही थी कि स्लेटर के दावों से उलट इस कैच को लेकर कुछ शंकाएं थी। इन सब के बीच स्लेटर अपना आपा खो बैठे और अंपायर से बहस करने लगे। इसके बाद उन्होंने द्रविड़ के साथ गाली गलौज भी की। इस व्यवहार के लिए स्लेटर पर जुर्माना लगाया गया। ऑस्ट्रेलिया में 1999-2000 सीरीज को सचिन तेंदुलकर बनाम ग्लेन मेग्रा के तौर पर देखा जा रहा था। मेग्रा तो कई बार सार्वजनिक तौर पर कह चुके थे कि भाई सचिन को आउट करेंगे। एडिलेड टेस्ट में मेग्रा ने सचिन को अपना शिकार बनाया भी, पर विवाद यह था कि अंपायर डेरल हार्पर ने मास्टर ब्लास्टर को एक बाउंसर गेंद पर LBW करार दिया। हुआ यूं कि मेग्रा ने बाउंसर फेंका पर गेंद थोड़ी नीची रही। बाउंसर समझकर तेंदुलकर गेंद से बचने की कोशिश कर रहे थे, जिस दौरान यह उनके कंधे से जा टकराई। मेग्रा ने अपील किया और सचिन आउट करार दिए गए। इस फैसले ने विवाद को जन्म दे दिया। क्रिकेट जगत से लेकर फैंस के बीच इस फैसले को लेकर जमकर चर्चा हुई। 2001 के ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज के दौरान दोनों देशों के बीच एक अजीब सा तनाव था। बाद में पता चला कि इसकी वजह टॉस पर गांगुली का बार बार लेट पहुंचना था। तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ ने अपनी आत्मकथा आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन में खुलासा किया कि गांगुली बार बार टॉस पर लेट आते। उन्होंने आरोप लगाया कि गांगुली ने वनडे और टेस्ट सीरीज के दौरान कुल 7 बार ऐसा किया। हालांकि गांगुली ने कई सालों बाद इस मामले पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि वह जानबूझकर ऐसा नहीं करते थे। 2008 के विवादित सिडनी टेस्ट के बाद भारतीय कप्तान अनिल कुंबले खासी नाराज थे। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि मैदान पर सिर्फ एक टीम खेल की भावना के साथ खेल रही है। यह मैच भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट इतिहास में सबसे विवादित मैचों में से एक है। दरअसल यह टेस्ट घटिया अंपायरिंग और मंकी गेट विवाद के कारण सुर्खियों में रहा। अंपायर द्वारा मैच के दौरान कई गलत फैसले किए गए, जिसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि एंड्रयू साइमंड्स और हरभजन सिंह के बीच हुई मामूली बहस ऐसा रूप अख्तियार कर लेगी। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज का आरोप था कि ऑफ स्पिनर ने उन्हें मंकी यानी कि बंदर कहा था और यह नस्लभेदी है। मामला सिडनी कोर्ट तक पहुंच गया। आरोपों की जांच के लिए एक अनुशासनात्मक पैनल का गठन किया गया। इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में भज्जी के बारे में उल्टी सीधी बातें लिखी गईं। वहीं BCCI ने तो दौरे को बीच में ही खत्म करने की धमकी दे डाली। हरभजन पर पहले 3 टेस्ट मैच का बैन लगा, जिसे बाद में हटा लिया गया।
2008 में ऑस्ट्रेलिया का भारत दौरा बड़े विवादों से दूर रहा, पर दिल्ली टेस्ट के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बार फिर दोनों टीम के खिलाड़ियों के रिश्तों में खटास पैदा करने का काम किया। टेस्ट मैच के दौरान गौतम गंभीर को कंगारुओं ने अपनी स्लेजिंग का शिकार बनाया, खासकर ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने। इससे नाराज गंभीर ने 2 रन लेने के लिए वॉटसन को कोहली मार दी, और उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया था, इसका कोई भी सबूत नहीं है। लेकिन मैच रेफरी ने मामले पर कार्रवाई की और दोहरा शतक जड़ने वाले गंभीर को अगले मैच के लिए बैन कर दिया। 2008 में मोहाली टेस्ट में हरभजन ने मैथ्यू हेडन को आउट किया तो भारतीय खिलाड़ी जश्न मनाने लगे। इस दौरान जहीर कुछ अजीब ही अंदाज में सेलिब्रेट करने लगे। हेडन चुपचाप पवेलियन की ओर लौट गए, पर मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड चुप नहीं रहे। उन्होंने जहीर खान के इस व्यवहार को खेल भावना के खिलाफ बताते हुए उन पर मैच फीस का 80% जुर्माना लगाया। 2010 में मोहाली टेस्ट के दौरान जहीर और रिकी पोंटिंग के बीच हुई बहस ने सीरीज का तापमान बढ़ाने का काम किया। रन आउट होने के बाद पोंटिंग ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ रहे थे। इस दौरान जहीर ने पोंटिंग पर कुछ टिप्पणी की जिससे वह नाराज हो गए। वह पीछे मुड़े और जहीर के पास आकर कुछ कहने लगे। दोनों खिलाड़ियों के बीच थोड़ी देर बहस भी हुई, हालांकि अंपायर बिली बॉर्डन ने पूरा मामला संभाल लिया। 2011-12 में भारत का ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रदर्शन के लिहाज से बेहद ही खराब रहा। साथ ही विराट कोहली के व्यवहार ने खेल का मजा किरकिरा करने का काम किया। सीरीज के दूसरे टेस्ट से कोहली की एक तस्वीर सामने आई जिसमें उन्हें पवेलियन में मौजूद दर्शकों को मिडिल फिंगर दिखाते हुए देखा जा सकता था। इस व्यवहार के कारण विराट कोहली पर मैच फीस का 50% जुर्माना भी लगाया गया। अपनी बात कहने के लिए विराट कोहली ने ट्विटर का इस्तेमाल किया। उन्होंने ट्वीट किया था, मैं मानता हूं कि क्रिकेटरों को प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए, लेकिन जब दर्शक आपकी माँ और बहन के बारे में बेहद ही भद्दी टिप्पणी करें तब क्या करना चाहिए। ये विराट कोहली ने अपना ट्वीट किया ट्विटर पर। तो दोस्तों, ये हमने 10 किस्से बताए आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस के दौरान जब इस तरह की तनातनी हुई, तापमान बढ़ा और गर्मा गर्मी बढ़ी। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा था, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे क्रिकेट प्रेमियों के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने V4 Innovative को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं रोजाना आपके लिए इस तरह के वीडियोस। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।